हेलो हाय एवरीवन, दिस इज इंजीनियर निखिल पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटोर इंजीनियर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट द ईडब्ल्यूएस कट ऑफ रैंक परसेंटाइल एंड मार्क। सो लेट्स डाइव इन। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो गया है आप लोगों को? हर जगह देख रहा हूँ ईडब्ल्यूएस में मेरा रैंक इतना, ईडब्ल्यूएस में परसेंटाइल इतना, सर मेरा रिजल्ट कहाँ होगा, मेरा एडमिशन कैसे होगा, मैं आईआईटी में एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। अरे हो क्या रहा है बच्चों, क्यों परेशान हो रहे हो? आप आने वाले भविष्य के इंजीनियर्स हो, तो चलिए मैं आपको आज कुछ बातें बता देना चाहता हूँ जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो एक एक करके क्लियर हो जाएं, ठीक है? तो सबसे पहली बात बच्चों, आप ये समझ लीजिए कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए 10% गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन क्वालिफाई करके रखा हुआ है कि हम आपको जो है 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। अब आप ये मोटा मोटी मान के चलिए कि जो जनरल कैटेगरी, उसमें तो 80% लोग तो आपके ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाइक करते हुए हैं, ठीक है? ये आपकी हो गई जनरल इन्फॉर्मेशन। तो अगर इतने लोग आते हैं तो 110% आपका कंपटीशन क्या हो गया, हाई हो गया। अब बोलोगे सर किसी ने ये कहा कि इतना रैंक है, किसी ने ये बताया कि इतना परसेंट है? देखो भाई बच्चों, मैं आपको एक बात एकदम दिल से बता देना चाहता हूँ, कोई भी अगर आपका ऐसा कहता है ना तो झूठ कहता है। इसलिए झूठ कहता है क्योंकि किसी के पास कोई डाटा है ही नहीं, गवर्नमेंट ने कोई डाटा प्रोवाइड नहीं किया, इट इज़ द फर्स्ट टाइम। तो जब तक आप काउंसलिंग में जाएंगे नहीं तब तक किसी के पास कोई डाटा है नहीं कि कोई बता सके। तो सर बोलोगे कि आपके पास, आप बोलोगे सर हम आपका वीडियो क्यों देखें? इसलिए क्योंकि मैं आपके बहुत सारे डाउट्स इसके अलावा भी क्लियर करना चाहता हूँ, और जो मैं बातें बताऊँगा मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में बता रहा हूँ, और जो है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। हम जब कभी बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक के ऊपर ज़रूर बात करेंगे, ठीक है? अब ये तो बात हो गई कि 80% लोग जो है हमारे जनरल कैटेगरी के ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस में लाइक करते हैं, 10% ही हमारे पास रिजर्वेशन है। तो क्या सर जनरल के होने के कारण और 10% होने के कारण क्या दोनों में अलग अलग सीट्स के लेके अवेलेबिलिटी, सीट मैट्रिक्स कुछ अलग चेंज होगी? देखो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10% रिजर्वेशन अपनी जगह है, और जनरल का कैटेगरी, जनरल का जो भी आपका एडमिशन सीक करने के लिए जो भी प्रोसीजर है वो अपनी जगह है, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। डाउट नंबर वन। अब डाउट नंबर टू जो सबसे ज़्यादा कॉमन डाउट है, सर मेरे पापा की इनकम इतनी कम है, मेरे घर का इतना कम बना हुआ, सर मैं तो आ रहा हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, सर पर मैंने फॉर्म में कहीं लिखा नहीं। अरे भाई अगर आपने फॉर्म में ही नहीं मेंशन किया कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाइक करते हो तो गवर्नमेंट आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्यों लाइक करेगी, क्यों लाइक करेगी बताइए ना? अगर आपने ड्यू टू एनी रीज़न, वो आपकी गलती है, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, अगर आपने किसी भी रीज़न से अगर आपने वहाँ पर मेंशन नहीं किया तो गवर्नमेंट काउंसलिंग के समय आपको कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपका फॉर्म में, जब जेईई मेंस का फॉर्म भर रहे थे चाहे, तो उस वक्त आपने अगर उस बॉक्स को अगर फिल किया है, उसमें टिक किया है कि मैं इस कैटेगरी में लाइक करता हूँ, तो ही आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाइक करेंगे। ये आपके दो डाउट क्लियर हो गए। तीसरा डाउट ये आता है कि सर क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मेरे को तुरंत शो करना पड़ेगा? नहीं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको तब शो करना पड़ेगा जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, तो वहाँ आपको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैसे लाइक कर रहे हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे जिनको यही नहीं मालूम, उन्होंने टिक तो कर लिया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में, अब उनको यही नहीं मालूम कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या पैरामीटर्स रखे हुए गवर्नमेंट ने। तो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ फाइल दे रहा हूँ, उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है, प्लस एक फॉर्म दिया हुआ है जिसको आप फिल करके जो है आप तहसीलदार के पास जाइए, वो आपको जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आप एलिजिबल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो आपको बताएगा। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो जरूरी है, आपकी जो फैमिली की एनुअल इनकम है इट शुड बी बिलो 8 लैक्स, और योर कास्ट शुड नॉट बी लाई अंडर ओबीसी एसटी एंड एससी। आप एसटी एससी ओबीसी में से अगर किसी भी कास्ट में लाई कर रहे हैं ना तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप इस कास्ट रिजर्वेशन में आएंगे तो आपको जो भी रिजर्वेशन जो मिलेगा वो आपकी कास्ट पे पोर्ट हो जाएगा, ना कि ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस बेसिकली फॉर जनरल जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ठीक है? अब ये हो गए आपके चार पैरामीटर, और आपका जो घर जो बना हुआ है उसका जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। इन चारों चीज़ों को आपको सर्टिफाई करा के जो है सर्टिफिकेट के लिए आपको किसके पास जाना है, तहसीलदार के पास। नाउ ही विल डिसाइड दैट यू आर एलिजिबल फॉर ईडब्ल्यूएस और नॉट, ठीक है? ये हो गई सर्टिफिकेट की बात।
अब मैं एक चीज़ अगर आपको और बता देना चाहता हूँ कि आप अगर अच्छे NITs की बात कर रहे हैं, अच्छे ब्रांच की, तो आप अगर 10,000 रैंक तक अगर आपका आता है इसमें EWS कैटेगरी में, तो आप 110% मान के चलिए आपको बेस्ट कॉलेजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे करके। अगर आपका 1,50,000 तक का भी आता है तो आप एलिजिबल होते हैं, वहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी है NITs की। मैं ब्रांचेस के बारे में तो आपको 100% नहीं बता सकूँगा। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो आप EWS में मान के चलिए कि अगर आप 65+ मार्क्स भी ला रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके मार्क्स जो है JEE मेन में जो है 75+ अगर जाता है तो आप अच्छे NIT कॉलेज में जो है विद द हेल्प ऑफ EWS कैटेगरी आपको अच्छी बड़े आसानी से जो है एडमिशन मिल जाएगा। अब इवन दो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में करिए। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जितने भी टॉप NITs हैं उनकी ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक कैसी होगी, कितने रैंक में मुझे एडमिशन मिलेगा, कितने रैंक में मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पिछला वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके देखिए, वहां आपको पूरी चीजें समझ आएगी, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी भी तरीके का आपको कोई भी डाउट हो तो आप फ्रीली मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एंड वी विल प्रोवाइड यू आंसर एज सून एज वी कैन। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू स्मैश द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन, बाय बाय।